This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से 18 की मौत, चार अधिकारी सस्पेंड। वाराणसी के कैंट में मंगलवार शाम निर्माणधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 14 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चार लोगों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो 15 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। वाराणसी में घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए और घायलों से मिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए घटना को दुखद बताया। प्रथम दृष्टया ये मामले में सेतु निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर HC तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर राजेंद्र सिंह और KR सूडांग को सस्पेंड किया गया, साथ ही एक अन्य कर्मचारी लालचंद को भी सस्पेंड किया गया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम को फ्लाईओवर हादसे पर 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच तकनीक विशेषज्ञों की जांच टीम भी वाराणसी पहुंच चुकी है और अपने जांच में जुटी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर देर रात पहुंचे। सीएम ने पहले घटनास्थल पर पहुंचकर चल रहे बचाव कार्य का जायजा लिया। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा मंगलवार शाम करीब 5:20 पर गिरा। पुल की शटरिंग के लिए बने वजनी पिलर के नीचे रोडवेज बस, बोलेरो समेत कई दोपहिया वाहन दब गए। पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने बताया कि 8 से 10 मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आ गई। UP के आपदा राहत आयुक्त संजय कुमार ने वाराणसी में निर्माणधीन पुल ढहने से अभी तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। इस बीच सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया है। सभी घायलों को तत्कालिक सहायता के रूप में 2-2 लाख और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।